प्रेम शुक्ला जी, चुनाव आयोग की और बीजेपी की मिलीभगत बता रहे हैं भाई। जी देखिए, एक पिछले दो दशकों की जो भारतीय राजनीति है उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार, इन दो राज्यों में चुनावी हिंसा की घटनाओं में अतिरेक हमें प्राप्त होता रहा। 96 से 2005 इस अवधि में 9 वर्षों तक लगातार लालू प्रसाद यादव का चुनाव आयोग से टकराव होता रहा। लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग के खिलाफ जाया करते थे कि उनको जितना अवसर बूथ कैप्चर करने का, अन्य चुनाव में जो गतिविधियां अमान्य हो उन गतिविधियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना हथकंडा था। वहाँ फेयर चुनाव होने लगे, लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी की क्या दुर्गति है पूरा देश देख रहा, पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह। यही ममता बनर्जी, चाहे 2006 का चुनाव हो, 2011 का चुनाव हो, वहाँ पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि वहाँ चुनाव निष्पक्ष हो सके, वहाँ अधिक चरणों में चुनाव कराया जाए। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2007 से 2011 तक निर्वाचन आयोग के विरुद्ध बातें करते रहे कि ममता बनर्जी को फेवर किया जा रहा है। तो जब निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है तो जो सत्ता में भ्रष्ट तंत्र को अपने कब्जे में करके भ्रष्ट मार्गों से चुनाव जीतने के प्रयास करने वाले दल हैं उनकी पीड़ा प्रकट होती है।